लोकसभा में तीन फौजदारी कानून तरमीमी बिल पर आज भी जारी रहेगी बहस। प्रेस एंड पीरियडिकल रजिस्ट्रेशन और टेलीकम्युनिकेशन बिल भी फेरिस्त बंद। दूसरी तरफ ऐवान में CGST पर दूसरी तरमीम बिल 2023 पर बहस की भी तजवीज। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया आज सभी रियासतों के वज़राए सेहत के साथ COVID-19 पर करेंगे जायजा मीटिंग। सभी महकमों की तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों से आलमी चैलेंजों का मियारी हल ढूंढने की अपील की। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के शुरका के साथ किया तबादला ख्याल। कोयले की वजारत आज तजारती कोयला कानों की नवे दौर की करेगी नीलामी। इस नीलामी में कोयला शोबे में निजी शोबे की ज्यादा हिस्सेदारी को मिलेगा बढ़ावा। डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा धचका। अमरीकी अदालत ने सदारती ओहदे के लिए करार दिया नाअहल। 6 जनवरी 2021 को अमरीकी राजधानी पर उनके हामियों के जरिए किए गए हमले में उनके रोल को लेकर की गई कार्रवाई। दूसरे वनडे में टोनी डी जॉर्जी की नॉट आउट सेंचुरी की बदौलत जनूबी अफ्रीका ने भारत को 8 विकेट से दी शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से हुई बराबर। कल खेला जाएगा तीसरा और फैसलाकुन मुकाबला। बैन अल-अक़वामी हॉकी फेडरेशन के सालाना अवार्ड में भारत का दबदबा। हार्दिक सिंह बने साल के बेहतरीन मर्द खिलाड़ी। दूसरी तरफ खवातीन टीम की कप्तान स्वेता पुनिया ने मुसलसल तीसरे साल जीता बेहतरीन खातून गोलकीपर का अवार्ड। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों में खबरों पर सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा में आज इंडियन जस्टिस सेकंड कोर्ट 2023, इंडियन सिविल डिफेंस सेकंड कोर्ट 2023 और इंडियन एविडेंस सेकंड बिल 2023 पर बहस जारी रहेगी। इन बिलों की मंजूरी के बाद टेलीकॉम बिल को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल की तजवीज़ करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर तकरूरी सर्विस की शराइत और ओहदे की मुद्दत बिल 2023 को बहस के बाद मंजूर किया जाए, जबकि इत्तला और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस एंड पीरियडिकल रजिस्ट्रेशन बिल 2023 को पास करने की तजवीज पेश करेंगे। ये दोनों बिल राज्यसभा में पहले ही मंजूर हो चुके हैं। राज्यसभा में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बहस के बाद सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दूसरी तरमीम बिल 2023 और आरसी टैक्स वसूली बिल 2023 को बहस के बाद लोकसभा में वापस करने की तजवीज पेश करेंगी। लोकसभा इन दोनों बिलों को पहले ही मंजूर कर चुकी है। और लोकसभा में कल भी सिक्योरिटी में लापरवाही और अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट की मौतली पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुसलसल हंगामाराई हुई और काम में खलल पड़ा। राज्यसभा की कार्रवाई हंगामाराई और नारेबाजी के दरमियान मुख्तसर बहस के बाद ऐवान ने अप्रोप्रिएशन नंबर 3 और 4 बिल 2023 को लोकसभा को वापस कर दिया। चेयरमैन की दरख्वास्त पर भी अपोजिशन राजी नहीं हुई तो उन्होंने कार्रवाई शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दी। कांग्रेस, DMK, TMC, JDU, वायंबाजो और दीगर अराकीन ने सिक्योरिटी लैप्स के मामले पर ऐवान में वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज जारी रखा। चेयरमैन ने पार्लियामेंट के बाहर TMC MP कल्याण बनर्जी के उनकी नकल करने से मुतालिक वाक़े को शर्मनाक करार दिया। दूसरी जानिब कौमी दारुलहुकूमत खत्ता दिल्ली कानून खसूसी दफा दूसरा तरमीमी बिल 2023 मुख्तसर बहस के बाद लोकसभा में मंजूर कर लिया गया। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स दूसरी तरमीम बिल 2023 को भी मंजूर कर लिया गया। इंडियन जस्टिस सेकंड कोर्ट 2023, इंडियन सिविल डिफेंस सेकंड कोर्ट 2023 और इंडियन एविडेंस सेकंड बिल 2023 को ऐवान में गौर और मंजूरी के लिए पेश किया गया। दरअसल
49 अपोजिशन मेंबरान असेंबली को उनके नामुनासिब रवैये के बिना पर सरमाई इजलास के बकिया हिस्से के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि ऐवान जाब्ते के मुताबिक चलेगा। और लोकसभा सेक्रेटरीट ने मुअत्तल मेंबरान पार्लियामेंट के लिए सर्कुलर जारी किया है, जिसमें अरकान पार्लियामेंट पर किन चीज़ों पर पाबंदी होगी उनका जिक्र किया गया है। इनमें अरकान पार्लियामेंट के पार्लियामेंट चैम्बर, लॉबी और गैलरी में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। रहनुमा खतूत के मुताबिक उन्हें पार्लिमानी कमेटियों के इजलास से मुअत्तल कर दिया गया है। उनके नाम पर कारोबार की फहरिस्त में कोई चीज़ नहीं रखी गई है। मुअत्तल अरकान असेंबली की तरफ से कोई नोटिस काबिल कबूल नहीं है। वह अपनी मुअत्तली की मुद्दत के दौरान होने वाले कमेटी के इंतखाबात में वोट नहीं दे सकते। अगर सेशन के बकिया हिस्से के लिए ऐवान की खिदमत से मुअत्तल किया जाता है तो वो मुअत्तली की मुद्दत के लिए यौमिया अलाउंस के हकदार नहीं है। और कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी की सदारत में पार्टी की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग हुई। मीटिंग में पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही के मामले पर अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली पर बात हो सकती है। दरअसल 14, 18 और 19 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा से 141 मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया था। इसमें कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा तादाद लोकसभा से 40 और राज्यसभा से 17 थी। इससे एक रोज कबल दिल्ली में होने वाली INDIA इतिहाद की मीटिंग में अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली का मामला उठाया गया था, जहां अपोजिशन जमातों ने अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली की मजम्मत की थी। मुल्क में कोविड के बढ़ते हुए मामलात और नए सब वेरिएंट JN1 के पेश नज़र मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया आज वर्चुअल मीडियम के जरिए तमाम रियासत के वज़राए सेहत के साथ कोविड-19 से मुतालिक जायजा मीटिंग करेंगे। हालांकि मरकजी हुकूमत इससे निमटने के लिए हर तरह के इकदाम कर रही है। मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो मुसलसल निगरानी रखें। रियासतों को ज्यादा तादाद में RT-PCR टेस्ट समेत मुनासिब जाँच को यकीनी बनाने और पॉजिटिव नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लेबोरेटरीज को भेजने की सलाह दी गई है। आने वाले त्योहारों को जहन में रखते हुए रियासतों से कहा गया है कि वो इस बीमारी के फैलाव के खतरे को कम करने के लिए सेहत आमा के इकदाम और दीगर इंतजाम करें। और आइए अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के अजीम शान फाइनल में नौजवान इख्तिराकारों के साथ बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 21वीं सदी का भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय रिसर्च के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने मुल्क को खुद कफील बनाने पर भी जोर दिया और नौजवानों से अपील की कि मकसद ये होना चाहिए कि भारत को कोई टेक्नोलॉजी दरामद न करनी पड़े। आलमी चैलेंजों के दरमियान भारत की सलाहियतों पर बढ़ते हुए एतमाद और तवक्कात को देखते हुए वजीर आजम ने नौजवानों से कम कीमत पर मयारी हल तलाश करने पर जोर दिया। यह समय एक तरफ 2047 की तरफ की यात्रा और दूसरी तरफ आपके जीवनपूर्ण महत्व के महत्वपूर्ण वर्षों की यात्रा, दोनों दोनों साथ साथ है। भारत को विकसित बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है और इसमें आप सभी का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए भारत की आत्मनिर्भरता। हमारा भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को कोई भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट न करनी पड़े, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना न पड़े। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। वजीर आजम ने इस गुफ्तगु के हवाले से एक्स पर लिखा है, वजीर आजम नेतन्याहू के साथ बामानी तबादला ख्याल हुआ, समुद्री ट्रैफिक की हिफाजत पर मुश्तरका खदशात समेत इसराइल और हमास तनाजे पर बात हुई। खित्ते में अमन इस्तेकाम की जल्द बहाली के साथ साथ मुतासरीन की मुसलसल इंसानी इमदाद के सिलसिले में भारत के मौकफ पर खसूसी बातचीत की गई।
तवानाई की हिफाजत को यकीनी बनाने और इक्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए वजारत कोयला आज तजारती कोयले की कानों की नीलामी के नवे दौर का इनेकाद करेगी। वजारत ने कहा है कि 4 रियासतों की 26 कोयले की कानों की नीलामी की जाएगी। इससे कोयले के शोबे में निजी शोबे की ज्यादा से ज्यादा शिरकत की हौसला अफजाई होगी। साथ ही मुकाबला और कारकर्दगी में इजाफा होगा और जिद्दत तराजी और पायदार तरक्की में शराकत दारी में इजाफा होगा। वजारत ने कहा है कि इस नीलामी के लिए अहलियत के मैार को हटा दिया गया है ताकि नीलामी में हिस्सा लेने में कोई तकनीकी या माली रुकावट ना हो। कोयले की फरोख्त के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वजारत कोयला और लेगनाइट कानों के शोबे में अच्छी कारकर्दगी के एतराफ के लिए आज स्टार रेटिंग अवार्ड्स की तकरीब का भी एहतमाम करेगी। इस प्रोग्राम में कोयले के वजीर प्रहलाद जोशी मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहेंगे। कोयला और कान के कई वजीर मुमलिकत राव साहब पाटिल दानवे भी इस प्रोग्राम में मेहमान खसूसी होंगे। राउज एवनी कोर्ट आज जमीन के लिए नौकरियों के मामले की समाअत करेगी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव मुलजिम हैं। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने मुलजिमान के वकील की दरख्वास्त पर दस्तावेजात की जांच पड़ताल के लिए मजीद मोहलत दी थी। लालू और उनके अहल खानों को इस मामले में गुज़िश्ता माह जमानत मिल गई थी। और बैन अलाक्वामी मालियाती फंड ने भारत को आलमी मईशत का स्टार परफॉर्मर करार दिया है। बैन अलाक्वामी मालियाती फंड ने कहा है कि इस साल आलमी तरक्की में भारत की शराकत दारी 16% से ज्यादा रही है। मुल्क भर के बहुत से ताजिरों ने भारतीय मईशत को मजबूत करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी हुकूमत के इकदाम और इकतसादी पॉलिसी की तारीफ की है। और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि कोई भी गैर मुल्की आला तालीमी इदारा यूजीसी की पेश की इजाजत के बगैर भारत में किसी प्रोग्राम की तजवीज़ पेश नहीं करेगा। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की दफात के तहत आला तालीमी इदारे किसी भी फ्रेंचाइजी के प्रोग्राम को पेश नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो ऐसे प्रोग्रामों को कमीशन तस्लीम नहीं करेगा। कमीशन ने तलबा को मशवरा दिया है कि वह ऐसे इदारों में दाखिला लेने से पहले मुनासिब एहतियात बरतें। यूजीसी ने कहा है कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले आला तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक नोटिस में यह भी कहा गया है कि बहुत से आला तालीमी इदारों और कॉलेजों ने कमीशन की तरफ से तस्लीम न किए जाने के बावजूद गैर मुल्की तालीमी इदारों या फराहम कनगान के साथ बाहमी ताउन के माहदों या इंतजाम किए हैं। कमीशन ने कहा है कि ऐसे किसी भी ताउन को तस्लीम नहीं किया जा सकता और ऐसी सूरत में जारी की गई डिग्रियों को भी कमीशन तस्लीम नहीं करता है। और तमिलनाडु के जनूबी अजला में मुसलसल बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। सैलाब की वजह से अब तक 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। सूरत हाल से निपटने के लिए फौज के जवान पूरी चौकसी के साथ काम कर रहे हैं। सैलाब में फंसे लोगों को मुख्तलिफ इलाकों से कामयाबी से निकाला जा रहा है। हेलीकॉप्टरों की मदद से मुतासर अफराद में खुराक के पैकेट और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। त्रिनोलवली और तुथिकुरन में तमाम स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सेंट्रल असेसमेंट टीम आज तोतीकुरन में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेगी। लोगों से कहा गया है कि वो घरों के अंदर रहें और आबी जखायर के करीब ना जाएं। त्रिनल वैली में तमीरा पुरानी नदी भी तुगयानी पर है। इसके साथ ही तमिलनाडु के वजीर आला एम के स्टालिन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वह समुद्री तूफान मीशोंग और जनूबी अजला में शदीद बारिश से होने वाले नुकसान को कौमी आफत करार दें। उन्होंने पीएम मोदी से डिजास्टर रिलीफ फंड फराहम करने की दरख्वास्त की है। और काजा मनाली रोड पर 2 दिनों से फंसे 5 सयाहों को बचा लिया गया है। यह जगह स्पीति के लौसर गांव से 40 किलोमीटर दूर है। इस काम में मकामी नौजवानों ने इंतजामिया की मदद की। 17 दिसंबर को एक फॉर्चुनर गाड़ी बातल से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर नशीबी इलाके से बलाई रास्ते पर जाते वक्त बर्फ की वजह से फंस गई थी, जिसकी वजह से 5 अफराद वहीं पर फंस गए थे। उनके अहल खाना से इतला मिलने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने स्पीति और केलोंग दोनों तरफ से इमदादी टीमें भेजने का फैसला किया। 18 दिसंबर को स्पीति की तरफ से की गई इमदादी टीम खंजम टॉप से सिर्फ 3 किलोमीटर तक ही पहुंच सकी। रास्ते पर बर्फ होने की वजह से गाड़ियां फंसी रहीं।
मंगल की सुबह रेस्क्यू टीम दोबारा 10 गाड़ियों के साथ बादल गांव के लिए रवाना हुई और सभी को बाहिफाजत बचा लिया गया। और अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। उत्तराखंड के चंपावत जिले के कई इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। आईईसी वैन के जरिए इस्ताफादकंदान हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली अवामी फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। दूसरी जानिब लोगों ने स्कीमों से अब तक हासिल होने वाले फवायद के बारे में भी अपनी कहानियां शेयर की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनेकाद उत्तराखंड के चंपावत जिले के 4 तरक्याती ब्लॉकों में किया जा रहा है। खेतीखान, देवीधुरा, झैडेली, रायकट, कुंवर, चामी, नायक गोट के साथ साथ 7 मकामों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यात्रा के दौरान जिला इंतजामी की जानिब से कसीरुल मकासिद कैंप लगाकर लोगों के मुख्तलिफ मसाइल मौके पर ही हल किए गए। चंपावत जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों ने 2047 तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अपनी शिरकत का अहद किया। साथ ही कैंप में आने वाले लोगों ने भी मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने तजुर्बात बयान किए। अपने पति का इलाज कराया है, उनके हार्ट में दिक्कत थी, पहले सुजला तिवारी में गए, सुजला तिवारी से फिर उन्होंने वहाँ का अच्छा इलाज कराया, इस योजना से ये कार्ड वहाँ लगा, तो उसके बाद फिर हमको रेफर किया गया राम मूर्ति बरेली को, वहाँ भी उनका इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ राम मूर्ति में, तो उसमें इलाज पूरा पक्का हो गया था। इस प्रोग्राम के दौरान कैंप में आने वाले तमाम किसानों ने बताया कि वो मरकजी हुकूमत की किसान सम्मान निधि के मुस्तफिदीन हैं और उन्हें इस स्कीम से काफी फायदा हासिल हुआ है। भारत सरकार की जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक लाभार्थी हूँ और मैं जब से वो किसान सम्मान निधि हमको मिलती है ठीक टाइम में, जिस समय हमें रबी की फसल या खरीफ की फसल या हमें खाद की आवश्यकता होती है, उस समय भारत सरकार की तरफ से सीधे हमारे खाते में आ जाते हैं, हमें किसी के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कृषि ऋण के लिए मैंने आवेदन लगाया था तो मुझे मिल गया है, सरकार के लिए धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकारी स्कीमों को हर गांव और शहर में गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसकी जमानत आम आदमी तक पहुंचाने का वादा किया है और ये तस्वीर दिखाती है वैन की मदद से इन अवामी फलाही स्कीमों को आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और इस सफर को लेकर लोगों में जबरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। इसके अलावा लोगों की शिरकत में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर गुलाब के फूल और गन्ना दुबई भेजे जा रहे हैं और यहाँ पर वो किसान जमा हुए हैं जिनकी मसनूआत बैरून ममालिक भेजी जाती है। इस मौके पर एपिडा के चेयरमैन अभिषेक देव ने किसानों से बात करके उनकी हौसला अफजाई की और डीडी न्यूज से खसूसी बातचीत में काशी से बैरून मुल्क भेजे जाने वाली मसनूआत पर अपनी खुशी का इजहार किया। एपिडा के चेयरमैन अभिषेक देव जी हैं काशी में, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी संस्था के लिए भी और जो एफपीओज के किसान हैं उनके लिए? आज की डेट में अगर देखा जाए तो यूपी हमारे जो एपिडा के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम अब तीसरे स्थान पर आ गया है यूपी और हमारी पूरी अथक प्रयास है कि हम उसमें और भी अच्छा करें। तो जो आज का जो सोने पर सुहागे वाली बात ये है कि जो एक्सपोर्टर हैं हमारे, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो किसान खुद ही मतलब अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई मिडल मैन नहीं है, तो इससे जो जो उसका आमदनी होती है सीधे डायरेक्ट किसान को जाती है। तो आप देखेंगे कि 3 इसमें एफपीओ हैं और तरह तरह के वो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फूल ले लीजिए आप, गुलाब के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, फिर गन्ना भी है बीच में आपका लहसुन भी है, तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोकली सोर्स्ड हुए हैं, इसको हम आपका मिडल ईस्ट भेज रहे हैं, तरह तरह के फूल हम भेज रहे हैं दुबई में, फिर हमारे इसमें गन्ना भी है, गन्ना का भी एक सैंपल हम भेज रहे हैं कि वहाँ पर वो कहते हैं कि गन्ने का डायरेक्टली वो मशीन है वहाँ से जूस निकालते हैं, तो वो एक नया प्रोडक्ट ये सैंपल के तौर पर भेज रहे हैं। फिर इसमें तरह तरह की हम सब्जियाँ भेज रहे हैं, अपना लहसुन भेज रहे हैं, आपका मिर्चा भेज रहे हैं, तो इस तरह हमने भी पिछली बार भी अभी करा था, सिंघाड़े का करा था एक्सपोर्ट, उससे पहले हमने केले का करा था, तो ये हम नई नई चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि नई नई मार्केट्स खुले, नई नई प्रोडक्ट्स खुले और कैसे हमारे किसानों को भी अच्छा अच्छा लाभ हो। मतलब इससे गेंदे के फूल हैं, गुलाब विशेष रूप से भेजा जा रहा है और गन्ना भी, क्योंकि वहाँ पर उनके पास ऐसी व्यवस्था है कि गन्ने का रस निकालने का एक अलग यंत्र है। तो ये एपिडा जो कार्य कर रहा है काशी और इसके आसपास के जिलों के किसानों के लिए अपने आप में सराहनीय है।
डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज वाराणसी। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वाकई राजघाट कॉम्प्लेक्स में गांधी स्मृति दर्शन कमेटी और टेक्सटाइल की मरकजी वजारत की जानिब से गांधी क्राफ्ट मेले का इनेकाद किया जा रहा है। यह मेला 24 दिसंबर तक चलेगा। यहां देही भारत के हैंडलूम, दस्तकारी और खादी के मसनूआत फरोख्त करने वाले स्टॉल हैं। हमारे नवानिकार ओपी यादव ने गांधी स्मृति दर्शन कमेटी के सदर विजय गोयल से गांधी दस्तकारी मेले के बारे में बातचीत की। राजधानी दिल्ली में गांधी शिल्प मेले का आयोजन चल रहा है। इसमें भाग लेने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी दर्शन एवं स्मृति समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल मौजूद हैं। आइए बात करते हैं सर, ये मेले का जो आयोजन किया गया है, इससे जो देश भर के आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देने में कितनी मदद मिलेगी? देखिए, राजघाट के साथ बिल्कुल ये गांधी दर्शन समीप में है और यहाँ पर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के सहयोग से गांधी शिल्प मेला लगाया गया है, जिसमें हस्तशिल्प, हथकरघा और खादी, खाने पीने, इस तरह के बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। देश भर के विभिन्न राज्यों में जो जो चीज़ें बनती हैं, जो आर्टिशियंस लोग बनाते हैं, चाहे वो लकड़ी के हैं, चाहे वो खादी के हैं, चाहे वो गर्म वस्त्र हैं, चाहे वो चरखा, ये सब चीज़ें के हैं और हथकरघा के हैं, वो सब स्टॉल्स यहाँ पर लगाए हैं। इस गांधी शिल्प मेला से इन कलाकारों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और वहीं जो जनता है उनको भी अपनी रुचिकर चीज़ें यहाँ पर मिल सकेंगी। तो दरअसल तो ये शिल्प मेले इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो आर्टिशंस हैं वो अपनी प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से एग्जिबिट कर सकें, दिखा सकें और पब्लिक में उनका व्यवसाय बढ़े। अभी करोड़ों रुपए के अंदर इनका व्यवसाय होता है और जैसे गांधी जी भी कहते थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, जब तक आप कुटीर उद्योग को, हस्तशिल्प उद्योग को, हथकरघा उद्योग को, खादी को प्रोत्साहित नहीं करोगे तब तक हमारे देश की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए इसका बहुत ही महत्व है। प्रधानमंत्री हमेशा जो हैंडीक्राफ्ट्स आर्टिजन्स हैं या सिल्क क्लास से जुड़े उद्यमी हैं निम्न स्तर के, उनको अपलिफ्ट करने के लिए लगातार काम करते हैं और उसी संदर्भ में इस मेले का आयोजन हुआ और आपने यहाँ भागीदारी निभाई है। आपके आने से यहाँ इनको एक मनोबल बढ़ेगा, तो कितना महत्वपूर्ण है ये सब चीज़ें होना? देखिए, अभी प्रधानमंत्री ने एक नई योजना शुरू की है जिसके अंदर इन्हीं सब कलाकारों को, हस्तशिल्प का जो काम कर रहे हैं, जो बुनकर हैं, इन सभी कलाकारों को एक लोन दिया जाएगा 1,00,000 रुपए का, बहुत ही नॉमिनल कम ब्याज के ऊपर, और इस तरीके से उनको सपोर्ट दिया जा रहा है जी। तो इसलिए ये जो मेले हैं और ये जो सरकार है ये इनको बहुत ही प्रमोट कर रही है जी। तो ये गांधी स्मृति और दर्शन समिति के वाइस चेयरमैन विजय गोयल, जिनका मानना है कि गांधी शिल्प मेले के जरिए एक और जहां आर्ट और क्राफ्ट से जुड़े कारोबारियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए रोजगार, व्यापार और कारोबार का एक माध्यम भी बनता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन ललित के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। और आइए नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। एक अमरीकी अदालत ने कैपिटल तशद्दुद केस में डोनाल्ड ट्रंप को सदर के ओहदे के लिए नाहल करार दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी आयन की 14वीं तरमीम के सेक्शन 3 के तहत सदर का ओहदा रखने के लिए नाहल है। डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल तशद्दुद में अपने किरदार की वजह से आइंदा साल होने वाले सदारती इंतखाबात में कोलोराडो में वोट नहीं डाल सकते। अमरीकी तारीख में यह पहला मौका है कि किसी सदारती उम्मीदवार को नाअहल करार देने के लिए 14वीं तरमीम का सेक्शन 3 इस्तेमाल किया गया है। और ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी ग्रुप ने बहर अहमर से गुजरने वाले बहरी जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज हौसी ग्रुप ने एक तिजारती जहाज पर हमला किया जिसके बाद जहाज में जबरदस्त आग भड़क उठी। वाकये के बाद व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जमान जॉन कैरबी ने कहा है कि हौसी ग्रुप तिजारती जहाजों को निशाना बनाना बंद कर दे। और अब पेश है दिल्ली से शहर और अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर है वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से और यह गजा से मुतालिक है। गजा में जंगबंदी और यरगामालियों की रिहाई के लिए मुआहदे की कोशिशें तेज हो गई हैं। सलामती कौंसिल में एक करारदाद भी इस सिलसिले में पेश की गई है और इस बीच गजा पर इसराइल के हमले लगातार जारी हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और ये भी राष्ट्रीय सहारा से। अपोजिशन के मजीद 49 अरकान पार्लियामेंट से मुअत्तल कर दिए गए हैं। मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट की मजमू तादाद अब 141 हो गई है और उन्होंने महात्मा गांधी के मुजस्मे के सामने मुजाहरा किया। दोनों ऐवानों की कार्रवाई फिर से हंगामे की नजर। इसके बाद की जो खबर है ये है
इंडी इत्तेहाद की चौथी मीटिंग वजीर आजम के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की तजवीज, 28 जमातों ने इसमें शिरकत की। सीट शेयरिंग समेत 5 उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और कोऑर्डिनेटर के लिए उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के नामों पर गौर किया गया। हिंदुस्तान एक्सप्रेस का रुख करते हैं अगली खबर। ज्ञानवापी मस्जिद से मुतालिक मुस्लिम फरीक की सभी 5 दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी और 6 माह में समाअत मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया। इसके बाद की खबर लेते हैं और ये इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फोन पर राबता, कई उमूर पर बातचीत। इसके बाद की खबर है जी, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में नकब जनी पर अपोजिशन के बयान को वजीर आजम मोदी ने खतरनाक करार दिया। इनकलाब की खबर और मुस्लिम फरीक को हाईकोर्ट से झटका लगा है। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में 5 अर्जियां खारिज हुई हैं। इसके बाद जो खबर ले रहे हैं रोजनामा इनकलाब से, तमिलनाडु की बारिश से 3 हलाक, 500 मुसाफिर ट्रेन में अभी भी फंसे हुए। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनकी चंद सुर्खियां। अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। जनूबी अफ्रीका ने 3-1 रोजा मैचों की सीरीज में शानदार वापसी करते हुए दूसरे वनडे में भारत को 8 विकेट से शिकस्त दे दी है। इस जीत के साथ ही 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। मेजबान अफ्रीकी टीम ने भारत की जानिब से जीत के लिए 212 रन का हदफ 45 गेंदे बाकी रहने तक 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। हदफ का ताकुब करते हुए ओपनिंग बल्लेबाज टॉनी डिजॉर्जी ने अफ्रीकी टीम की जानिब से शानदार सेंचुरी खेली। रिजा हेंड्रिक्स ने भी मिस सेंचुरी स्कोर की। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहली विकेट के लिए 130 रन की शराकत कायम की। रेजा हेंड्रिक्स ने 52 और टोनी जॉर्जी ने 119 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। इससे कबल भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.2 ओवर में 211 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की जानिब से साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 62 रन बनाए। साई सुदर्शन ने मुसलसल दूसरे वनडे में निस्फ सेंचुरी बनाई। कप्तान लोकेश राहल ने भी निस्फ सेंचुरी इनिंग खेली। इन दोनों के अलावा कोई और बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं ठहर सका। राहल ने 56 रन की इनिंग बरकरार रखी। और इसके बाद की अगली खबर ले रहे हैं हॉकी से अगली खबर। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सालाना अवार्ड्स में 2 भारतीय खिलाड़ी अवार्ड जीते में कामयाब रहे हैं। भारतीय खवातीन हॉकी टीम के कप्तान सविता पुनिया को साल की बेहतरीन खातून गोलकीपर का अवार्ड मिला है। सविता मुसलसल तीसरे साल ये अवार्ड जीतने में कामयाब रही हैं। वो साल 2023 में जबरदस्त फॉर्म में नजर आई। वो एशिया कप और फिर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार दिफा करती नजर आई। सविता की कप्तानी में भारतीय टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। भारत के मर्दों के जुमरे में हार्दिक सिंह को भारत में हॉकी में बेहतरीन मर्द खिलाड़ी करार दिया गया है। ऑनलाइन वोटिंग में जर्मनी के निकोलस विलेन से हार्दिक आगे रहे। इन अवार्ड्स का इंतखाब माहिर पैनलिस्ट और कौमी अंजुमनों के वोटों की बुनियाद पर किया जाता है। हार्दिक को कुल डाले गए वोटों का 34% मिला है। इस साल हार्दिक का यह दूसरा बड़ा अवार्ड है क्योंकि उन्हें साल 2022 के बेहतरीन खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड से भी नवाजा गया था। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर।
और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।